नमस्कार, मैं रिचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बालूत की, जहां दुर्ग से पुरूर रोड बना डेंजर जोन। साथ ही बात होगी बुलंदशहर की, जहां अंबाला में भीषण सड़क हादसा हुआ, और बताएंगे कि कैसे कैमूर में लोकसभा चुनाव को लेकर कैमूर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आया। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बालौर से है, जहां जिले के अंतर्गत आने वाले दुर्ग से पुरूर जाने वाले हाईवे रोड के नज़दीक बसे ग्राम पंचायत पेंडरवानी में एक मोड़ ऐसा है जहां एक्सीडेंट के मामले आए दिन सुनाई देते हैं। ये डेंजर जोन के रूप में बना हुआ है, जिससे लोगों में दहशत है। ये मोड़ बहुत दिनों से है, अभी नई रोड भी बनी, फिर भी इस मोड़ को प्रशासन द्वारा सीधा नहीं किया गया, जिसके कारण एक्सीडेंट का मामला बहुत ही ज़्यादा सामने आते रहते हैं। लगातार एक महीने में 6 से 7 एक्सीडेंट यहाँ पर हो चुके हैं। आज की रात की बात करें तो रात में 1:30 बजे पूर्व तरफ से आ रहे बाइक मोड़ के कारण रोड के नीचे चली गई, जिसमें एक इंसान घायल हुआ है, वहीं दूसरा बेहोशी की हालत में था, जिसका अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा है। बताया जा रहा है कि पाटन क्षेत्र के लोग हैं, जो अपने दोस्त के यहाँ जा रहे थे, तभी ये एक्सीडेंट हुआ। बालौर से सीनियर संवाददाता रमेश कुमार चालक की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जो अंबाला में भीषण सड़क हादसा हुआ, श्रद्धालुओं से भरी ट्रेवलर बस डंपर से टकरा गई। हादसे में बुलंदशहर के 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जबकि 30 लोग घायल हैं। एक ही परिवार के ये सभी मृतक और घायल श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर के थाना ककोड़ क्षेत्र के गांव भोपतपुर से श्रद्धालुओं की बस निकली थी। बुलंदशहर के थाना ककोड़ क्षेत्र के भोपतपुर गांव के रहने वाले सभी मृतक बताए जा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रभान सिंह है जी। कौन सा गांव है? ग्राम भोपतपुर। क्या मामला हुआ है, कितने लोगों की आपके पास सूचना मिली है? सर, ये वैष्णो देवी के लिए गए थे, रात लगभग 1:45 बजे के समथिंग अंबाला रोड पे एक्सीडेंट हो गया है। सूचना मिली है कि उसमें 6 लोग जो है मृतक हो गए हैं और बाकी 22-23 लोग जो है वो घायल है। कौन कौन लोग थे ये लोग? ये सब अपने परिवार के लोग थे जी। हमारा बेटा है, भतीजे हैं, कुछ हमारे रिश्तेदार हैं और कुछ हमारे जो मिलने वाले हैं। क्या बताया गया वहाँ से? वहाँ से बताया गया है जी कि गाड़ी पीछे से जा रही थी रात को, आगे एक ट्रक आ गया जिसने अचानक ब्रेक लिए और गाड़ी पीछे से जो है उसमें टकरा गई। सर, बुलंदशहर के थाना ककोड़ इलाके का जो गांव भोपतपुर है, एक्सीडेंट में ये 7 लोगों की मौत हुई है, क्या जानकारी सर अभी तक आपको मिली है? ये हमें जानकारी मिली है कि इस गांव के कुछ दर्शनार्थी और अन्य इनके रिश्तेदार और अन्य लोग वैष्णो देवी कल सुबह निकले थे, रात 1:45 बजे एक ट्राले से जो है बस की टक्कर हो गई है, जिसमें इस गांव के 3 लोग थे, उनकी डेथ हो गई है। हम लोग इनकी जो है प्रशासन जो है इनकी जो है सारी जानकारी प्राप्त करके इनकी जो प्रशासन की तरफ से होगी सारी मदद और मुहैया कराई जाएगी। अभी तक सर कुछ मदद का आश्वासन इन लोगों को? इनको जिनके नाम जमीन है उनके नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के तहत 5 लाख रुपए उनको मिलेंगे। 1 लोगों के बारे में अभी जमीन की तलाश की जा रही है, अगर उनके नाम से जमीन मिलती है तो उनको भी होता है, नहीं तो जो भी प्रशासन द्वारा जो भी विसम्मत होगा वो इनकी मदद की जाएगी। मतलब जिन लोगों के नाम जमीन है उनको 5-5 लाख रुपए दिए? उनको नहीं, परिवार में 1 लोगों को 5 लाख रुपए। एक ही परिवार के सर ये लोग हैं तीनों जो खत्म हुए? नहीं, एक परिवार के नहीं है, एक पति पत्नी है, एक अन्य दूसरे और हैं, लेकिन इस गांव के कुल 3 लोग हैं। मदद प्रशासन इनके साथ है, सब प्रशासनिक मदद इनको जो भी होगी सब की जाएगी। थैंक यू। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता दिनानी बात की रिपोर्ट। खबर जालना से, जहां कल 23 तारीख को सुबह 7 बजे जालना में पुलिस भर्ती एकेडमी में प्रशिक्षण के लिए आए 20 वर्षीय युवक की मैदान में दौड़ते समय अचानक मृत्यु हो गई। हिंगोली जिले के शेगाव निवासी सुबह खेल परिसर में दौड़ का अभ्यास करते समय अचानक जमीन पर गिर पड़ा। युवक तुरंत जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सर, क्या घटना घटी होती? सकाचा फिजिकल का टाइम होता, पुलिस भर्ती प्रशिक्षण अपन घेतो, सकाळच्या मॉर्निंगचा टाईमला एक वर्कआउट असतो, पोलीस भरती करायचा असेल किंवा स्पर्धा परीक्षा करायचा असेल, तर त्या संदर्भामध्ये ग्राउंड चालू असताना त्याला अचानक अटॅकचा परिणाम, आता अजून काही सांगता येत नाही पण तसं ते आल्यासारखं आपल्याला वाटतं। त्या मुलांना काय होतं आणि किती दिवस समजून राहतो? तो मुलाचा प्रवेश आपल्याकडे 8/5/24 ॲडमिशन झालं आणि आज त्याला 12वा दिवस होता आपल्या ग्राउंडला आणि ते अचानक कोण कोसळलं। काय नाव सर त्या मुलांचं? आकाश सुरेश इटकर नाव आहे। सर, आपलं नाव काय? संदीप आसाराम जाधव, मी संचालक श्रीकर अकॅडमी।
महाराष्ट्र के जालना से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां रामपुर प्रखंड अंतर्गत थाना बेलगाव एवं करमचट से है, जहां लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अंचलाधिकारी रामपुर अनुकुमारी के कुशल नेतृत्व में पुलिस बल के साथ सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा किसी प्रकार की अवैध सामग्री या नाजायज हथियार या नशा का आयात निर्यात पर रोक लगाया जा सके। वहीं थाना अध्यक्ष करमचट के नेतृत्व में बगही पुलिस पर बने चेक पोस्ट पर, जो कैमूर और रोहतास जिले को जोड़ता है, वहाँ SI अनु दुबे अपने दल बल के साथ तत्परता से दो पहिया चार पहिया वाहनों का बारीकी से जाँच कर रहे हैं। जाँच के क्रम में गाड़ी की कागजात, हेलमेट, डिक्की आदि की जांच की जा रही है। किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है। अंचलाधिकारी अनुकुमारी ने बताया कि शाम तक किसी तरीके की नाजायज सामग्री बरामद नहीं हुई है। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर साहिबगंज से, जो नगर थाना क्षेत्र के कुलीपड़ा मोहल्ले में पूर्व में हुए रामनवमी पर्व में पथराव और दो समुदाय के बीच हुए तनाव के मामले में 27 लोगों को पुलिस नामजद आरोपी बना रही है। कई लोग इस मामले में आत्मसमर्पण भी कर चुके हैं। इस विवाद में कुलीपाड़ा निवासी असलम अंसारी उर्फ बोलू और उनके पुत्र रिंकू अंसारी भी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि रामनवमी पर्व के विवाद में आरोपी बनाया गया था। परिजनों की माने तो मामले में पुलिस के दबाव के बाद समर्पण कर दिया। अचानक मंडलाकारा में उसकी तबीयत बिगड़ गई और मंडलकारा में ही मौत हो गई। इस पूरे मसले पर मृतक की पत्नी सुल्ताना बेगम का और मृतक के परिजनों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। और के बाद मार के फेंक दिया, फेंक दिया था। जब आ गया यहाँ तब हमको मालूम हुआ, तब हम कैसे मालूम चला आप लोग को? कैसे मालूम चला? कोई आदमी बोला हाथ दिया, कोई आदमी तबीयत बहुत खराब है, टोटो पकड़ के हम दौड़ लाए, तबीयत खराब है, तब जल्दी चलो टोटो दौड़ के हम आए हैं। कितना दिन पहले पति आपका जेल गया था? पति गिरा था, आज वो गिरा था। जब वो यहाँ से गया था तो उसका शरीर स्वास्थ्य सही था ना? बोला जाओ, हम रोने भी लगे, बोलता नहीं जाओ, तुम लोग रोना बहुत अच्छा रहते हैं, ऐसे बोला। क्या लग रहा आपको कि जेल में मारपीट? हाँ, 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 बहुत अच्छा है, जानते हैं, बहुत अच्छा था। ये अज्ञात में इसका नाम पड़ा था, जो निर्दोष था, लेकिन ये पुलिस का इतना अत्याचार हुआ, इतना अत्याचार हुआ इसके घर पर कि मजबूरन बाप बेटा दो आदमी ही कमाने वाला घर का सदस्य था, दोनों ने जाके सिलेंडर कर दिया। और अभी जब हम लोग हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल में हम लोग रजिस्टर देखे, रजिस्टर में 5:00 में मृत्यु घोषित किया हुआ है। हॉस्पिटल वाला कहना है जेल से, मतलब जो लाया गया एकदम मृत्यु घोषित किया हुआ, इसका न्याय चाहिए सर, बस यही। कौन मामला में लेके गया था चाचा? ये कुलीपाड़ा में 2023 में जो रामरमी में घटना हुई थी, उसी में कुछ अज्ञात में इन लोग का नाम था। ये अज्ञात में नाम था, इन लोग नामधारी नहीं था। साहिबगंज से सीनियर संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सीनियर्स भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।